और एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, ज्ञानवापी परिसर के भीतर जो आकृति मिली जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से, उसकी पूजा की मांग उठ रही। सुप्रीम कोर्ट मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा। बड़ी खबर दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है। लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा 21 जुलाई को। बड़ी खबर, वकील विष्णु शंकर जैन ने बहुत जल्द सुनवाई की मांग की है। 21 जुलाई की तारीख तय, अन्य याचिकाएं जो इस संबंध में पड़ी हैं लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ ही इस मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा 21 जुलाई को। शिवलिंग जिसका दावा है हिंदू पक्ष का, जो ज्ञानवापी परिसर में मिला, उसकी पूजा की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि आदेश दिया जाए कि पूजा हो। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, इस मांग के बारे में, इस याचिका के बारे में और विस्तार से बताएं। जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर का ये पूरा मामला चल रहा है, तो शिवलिंग की जो मिला हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, उसकी पूजा अर्चना करने की मांग की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करने वाला है, तो इस याचिका को भी अटैच कर लिया गया है। ये याचिका अगर बात करें तो विष्णु शंकर जैन जो की वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अपनी याचिकाकर्ता जो है मीकांक्षी, उनकी तरफ से ये याचिका लगाई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है। 21 जुलाई को अभी पूरे मसले पर सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है इस मांग पर और 21 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिली आकृति से शिवलिंग होने का दावा है हिंदू पक्ष का, उसकी पूजा की अनुमति पर सुनवाई करेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।